हेलो सर, ई मंडी की ऑफिशियल उत्तर प्रदेश की जो साइट है वहाँ पे एक छोटी सी बग, एक छोटी सी समस्या आ रही है और उसे बताने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम अवेलेबल स्टॉक में, हमने लॉगिन किया हुआ है पार्टी को, अवेलेबल स्टॉक में चलते हैं। स्टॉक से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। अवेलेबल स्टॉक में 1 दिसंबर 2022, 1 दिसंबर के बाद का स्टॉक हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टॉक दिख रहा है 1170.8 क्विंटल आवक स्टॉक मतलब खरीद की गई है, जावक है 662.49 क्विंटल और जो उपलब्ध है मतलब अवेलेबल स्टॉक है वो 508.31 क्विंटल है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 1170.8 माइनस 662.49, यहाँ पे 508.31 क्विंटल स्टॉक यहाँ पे शो कर रहा है, बट ये सर एक्चुअल स्टॉक मतलब ये सही स्टॉक नहीं दिखा रहा है। जो सही स्टॉक है वो इससे कम है। और मैं बताता हूँ, जब यहाँ पे व्यू डिटेल पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें सही स्टॉक दिखता है। अब देखिए, ये आवक का जो है जितने अभी तक हमने 6 साल काटे हैं वो हैं, जिसमें से जो आप 400 क्विंटल का देख रहे हैं और जो 325.13 क्विंटल का जो स्टॉक देख रहे हैं यहाँ पे 6 साल का, ये ओपनिंग स्टॉक है 1/12 का, जो कि 6 साल के जरिए हमने पोर्टल पर दर्ज किया था। और इधर के जो आप देख रहे हैं ये सारे जो है 1 से लेकर 17 तक ये 9 आर काटे गए हैं, मतलब स्टॉक खारिज किए गए हैं 19/5 तक। ठीक है, तो अभी 19/5 तक का जो है हमने अभी आज 6 आर काटा है, 2 6 आर, इसका पेमेंट अभी नहीं हुआ है और 9 आर भी काटा है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, जब टोटल आप देखेंगे, टोटल हमारे पास जो आवक स्टॉक है डिटेल में वो 1170.8 क्विंटल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो जावक स्टॉक दिख रहा है मतलब जो जो 9 आर के जरिए जो हमने स्टॉक खारिज किया है वो 725.13 क्विंटल है, जो कि यहाँ पे जो डिटेल दिख रहा था यहाँ पे जावक स्टॉक यहाँ पे देखिए दिख रहा है 662.49 क्विंटल, यहाँ पे कम दिख रहा है। एक्चुअल में हमारा जो हमने स्टॉक खरीद किया है वो 725.13 क्विंटल ही है। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है आपको डिफरेंस बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है वो 1170.8, ये आवक वाला स्टॉक है, माइनस 725.13 ये जावक स्टॉक है। देखिए आप यहाँ पे आ रहा है 400, सॉरी 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 थोड़ी सी गड़बड़ी होगी। यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि हमने जो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दर्ज किया था पोर्टल पर, मतलब ई मंडी के साइट पे जो ओपनिंग स्टॉक दर्ज किया था, तो दो दो भाग में ओपनिंग स्टॉक दर्ज किया था, क्योंकि 400 क्विंटल के ऊपर का जो है वो 6 आर हम काट नहीं सकते हैं, इसलिए दो पार्ट में हमने ओपनिंग स्टॉक दर्ज किया था, तो 400 क्विंटल का और ये 325 क्विंटल का। तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे हम 400 क्विंटल प्लस 325.13 क्विंटल का, आप देखेंगे 725.13 क्विंटल, यानी हमने पूरा पूरा ओपनिंग स्टॉक का जो है धीरे धीरे जो है ओपनिंग स्टॉक जितने भी था हमारा वो सब मैंने स्टॉक खारिज कर दिया है, यहाँ पे काट दिया है, उसका 9 आर काट चुके हैं 725.13 क्विंटल का। ठीक है, तो अभी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 इनवाइस या 7 बिल का जो है स्टॉक शेष बचा हुआ है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हमें क्या आ रही है, यहाँ पे सिर्फ गलत शो यहाँ पे ही नहीं कर रहा है, ये जब हम 9 आर काट रहे हैं तो वहाँ पे भी ये जो स्टॉक शो कर रहा है वो गलत शो कर रहा है, वहाँ पे जो स्टॉक दिख रहा है वो 508.31 दिख रहा है, जबकि हमारा स्टॉक उतना नहीं है। अब अगर आप देखेंगे, अब यहाँ पे जो देखेंगे आप, सॉरी थोड़ा सा देखते हैं अवेलेबल स्टॉक। हाँ, तो यहाँ पे हमारा जो उपलब्ध स्टॉक है, हमारा उपलब्ध स्टॉक कितना है, तो यहाँ पे हमारा उपलब्ध स्टॉक है 1170.8, जो जो सच मतलब असलियत में जो स्टॉक उपलब्ध है उसकी बात करें तो माइनस 725 से जावक वाला ये इंटर कर रहे हैं 10.13। ठीक, यहाँ पे 445.67 क्विंटल का स्टॉक उपलब्ध है हमारे पास अभी करंट में, जबकि यहाँ पे शो कर रहा है 508.31 क्विंटल का, मतलब यहाँ पे स्टॉक ज़्यादा शो कर रहा है हमारा, जबकि इससे कम स्टॉक ही उपलब्ध है 445.67 क्विंटल का। तो यहाँ पे कुल टोटल डिफरेंस कुल कितना है, कुल डिफरेंस है 508.31, कुल देखिए 62.64 क्विंटल का डिफरेंस आ रहा है, यानी लगभग लगभग 6264 किलो का।
अब यहाँ पे हम जाते हैं ज्येष्ठ प्रपत्र 9 जारी करने, अगर हम जाते हैं यहाँ पे, अगर प्रपत्र 9 जारी करना चाहते हैं तो वहाँ पे कौन सा स्टॉक शो कर रहा है, बस ये थोड़ा सा दिखाते हैं। तो 1 दिसंबर 2021 के बाद के स्टॉक के खारिज होकर प्रपत्र 9 जारी करें। सो यहाँ पे हम जब सेलेक्ट करेंगे व्यापारी नगद ठीक है, स्टॉक का स्रोत। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है दो दो तरह का सोर्स है, स्टॉक का दो सोर्स सोर्स है, मतलब दो स्रोत हैं। एक देखिए ईएस जो करके ये बिल काटे थे, एक बिल जो है बाह्य प्रवेश पर्ची, हमने स्टॉक का जो है स्टॉक को मतलब स्टॉक को चढ़ाया था पोर्टल पे बाह्य प्रवेश पर्ची से, और बाकी की जो हमने 6R काटे हैं, जो 6-6 आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये ईएस जो दिख रहा है ये एक बाह्य प्रवेश पर्ची का स्टॉक है, और बाकी के 1 2 3 4 5 6 6 जो 6 जो इनवाइसेस की एंट्री की गई है वो जो है 6R के जरिए की गई है स्टॉक की एंट्री। तो हमारे यहाँ जो इसमें से भी जो दो लास्ट के जो दो स्टॉक है, जो दो इनवाइसेज हैं जो आज हमने एंट्री की है इसकी 19 तारीख को, और ये इनका जो है अभी पेमेंट नहीं किया गया है, तो हमें कुल 4 ही दिखने चाहिए वहाँ पे, क्योंकि 6 कुल हैं बाय प्रवेश पर्ची को छोड़कर, 6 इनवाइस है, 6 में से अभी 2 का जो है पेमेंट नहीं हुआ है, 4 का पेमेंट हो चुका है। तो 4 का यहाँ पे अगर हम सुनते हैं स्टॉक का स्रोत चुने, तो प्रपत्र 6 चुनते हैं और यहाँ पे अनपेड की जगह पेड क्लिक करते हैं। तो अगर पेड क्लिक करेंगे तो संरक्षित करें आगे बढ़ें। अब देखिए पेड क्लिक करने पर हमें जो है स्टॉक क्या दिखेगा, हाँ आप आ सकते यहाँ पे देख सकते हैं कि 64 किलो का जो स्टॉक था वो 64 किलो पूरा पूरा बचा है, 2705 का 2705 बचा है, 5877 का 5877 बचा है, 9410 का 9410 बचा है। पर यहाँ पे जो 400 किलो वाला जो ओपनिंग स्टॉक था, आपने अभी देखा था कि हमने जो है 4375.13 725.13 क्विंटल का ओपनिंग स्टॉक इसमें दर्ज किया था 6R के जरिए, और 725.13 का पूरा ओपनिंग स्टॉक का हमने ओपनिंग स्टॉक खारिज कर दिया है 9R के माध्यम से। तो 9R के माध्यम से ओपनिंग स्टॉक मेरा पूरा ओपनिंग स्टॉक खरीद हो चुका है, एक मतलब 0 ओपनिंग स्टॉक बचा है मेरा इस समय, जो हमने जो खरीद किए हैं सिर्फ उसी वही स्टॉक हमारे पास उपलब्ध है। तो यहाँ पे खरीद का 4 बिल का देखिए, 4 1 2 3 4 चारों बिल के पूरे पूरे स्टॉक उपलब्ध हैं, और ये जो एक बाह्य प्रवेश पर्ची हमने ये 76.85 क्विंटल का जो स्टॉक दर्ज किया था पोर्टल पर बाह्य प्रवेश पर्ची वाला, वो अभी कभी वो भी पूरा पूरा वैसे ही बचा है। तो यहाँ पे जो 400 किलो में से जो यहाँ पे स्टॉक दिखा रहा है 62.46 62.46 क्विंटल 400 क्विंटल में से 62.46 क्विंटल प्रपत्र में उपलब्ध मात्रा, ठीक है, तो 62.64 क्विंटल यहाँ पे स्टॉक उपलब्ध दिखा रहा है 400 क्विंटल वाले में, जबकि हमारा जो डिफरेंस भी आ रहा था वो भी 62.64 क्विंटल का ही आ रहा था। मतलब इसको यहाँ पे 0 दिखना चाहिए, इसको यहाँ पे 400 क्विंटल वाला स्टॉक नहीं दिखना चाहिए, पर यहाँ पे ये दिख रहा है। और अगर मान लीजिए हम गलती से इसमें स्टॉक खारिज कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि हम 400 वाला ऑलरेडी 400 क्विंटल का पूरा पूरा स्टॉक खारिज कर चुके हैं। सो ओपनिंग स्टॉक मेरा पूरा खारिज हो चुका है, पर यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक में अभी भी 62.64 क्विंटल स्टॉक उपलब्ध बता रहा है, बचा हुआ स्टॉक बता रहा है। तो इस पे जो है थोड़ा सा इस पे गौर किया जाए, और ये क्यों ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है ये मुझे भी नहीं पता, और ये कब से शुरू हुआ है, तो ये लगभग जनवरी के महीने में जब हम प्रपत्र जनवरी में जब प्रपत्र जनवरी में जब प्रपत्र 9 काट मतलब 9R जो काट रहे थे जनवरी महीने में, तो उसी समय ही हमें प्रॉब्लम हमको शो हो रहा था। अब पूरी तरह से हमको नहीं पता कि ये प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुआ है, बट ये प्रॉब्लम जो है ये जनवरी से ही स्टार्ट हुआ है, जनवरी नहीं फरवरी से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो फरवरी से ये दिक्कत आ रही है, और इसका समाधान उम्मीद करता हूँ कि आप जल्द से जल्द इसका समाधान करेंगे, क्योंकि ये सही नहीं है, स्टॉक की गणना सही सही नहीं कर रहा है पोर्टल। बस ये छोटा सा वीडियो आपके लिए था, ये समझाने के लिए कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इस पर गौर किया जाए। धन्यवाद।